अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मैं यूके पहुंच गया हूं, अभी मैं हूं ग्लासगो में। मैंने कहा था कि इस दफ़ा ज़रा पर्सनल थोड़ी वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं पहले गाड़ी को लॉक कर लूं। ये वो एरिया है जहां मैं पहली दफ़ा जब यूके में आया था, यहां मेरा स्टे हुआ था। ये एक बच्चों का पार्क है, मेरे कज़न थे कुछ, उनके आगे पीछे घर भी थे। लेकिन जिस जगह पर मैं रुका था, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। कज़न मेरे का अपार्टमेंट था। यहाँ होता क्या कि आपको जो सामने नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये अपार्टमेंट्स यानी तीन तीन मंजिला, तीन तीन अपार्टमेंट्स होते हैं ऊपर नीचे, फिर साइडों पर भी। तो वो जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे मेरे कज़न का अपार्टमेंट था। उसने, उसका शुक्रिया, उसने मुझे पहले तकरीबन 2 साल अपने पास रखा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी मास्टर्स कम्प्लीट की ग्लासगो के अंदर, और उसके बाद फिर PhD और बाकी चीज़ें जो हैं वो की। और यहाँ बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं। ये जो पार्क है, जब कभी टाइम मिलता था जाके, कज़न के बच्चे थे उनके साथ खेलते भी थे। तो वो जो कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है 48 नाम है, मैं स्ट्रीट वगैरह नहीं बताऊँगा, पुंछ ना जाना, क्योंकि अब कज़न ने वो भेज दिया अगर उसका नहीं है। तो ये माहौल था जी जिसमें यूके में मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। बहुत टफ टाइम था, टफ टाइम इन अ सेंस कि यहाँ से मैं उठ के एक शिफ्ट लगाता था जाके अर्ली मॉर्निंग की शॉप पे, क्योंकि फीसें भी देनी थी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी के बाद वापस आना, एक और जॉब करनी, पार्ट टाइम काम करता था। और उसके बाद मर मुर के लेट नाइट घर पहुंचना, 2-4 घंटे की स्लीप यानी नींद, और उसके बाद फिर दोबारा से रूटीन, और चलती रहती थी। मतलब कई दफ़ा ऐसा सैटरडे संडे को 15-15 घंटे की भी शिफ्ट होती थी। लेकिन मतलब ओवरऑल जो मैं चीज़ समझा हूँ ज़िंदगी में, एक दफ़ा आप जुनूनी हो जाओ, पागल हो जाओ, उसके लिए मेहनत करने के लिए, आखिर लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। पास ही आगे थोड़ा एक दो कज़न के घर हैं। ये अल्बर्ट ड्राइव है, यहाँ सामने पोलक शील्ड्स का एरिया ग्लासगो के अंदर। यहाँ से यूके में लाइफ मेरी स्टार्ट हुई थी, यहाँ से होते होते कई शहरों में, फिर अल्टीमेटली लंदन में, लंदन से बाकी मुल्कों में, और फिर अल्टीमेटली दुबई में आप मुझे देखते हैं। तो अभी मैं आया हूँ कुछ दिनों के लिए। आप इसी तरह के मैं क्लिप्स भी बनाऊँगा, कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर करूँगा। यहाँ यूके में आते जिस चीज़ शुरू में बड़ी पसंद आती है कि अभी कोई टेम्परेचर होगा 12-15, यानी मज़े का टेम्परेचर है, लेकिन हल्की हल्की बारिश, और ये सारी ज़िंदगी अगर आप मूव होते हैं ना यूके में, सारी ज़िंदगी लगे रहेगी, यानी हर टाइम रहती है कोई 2-4 दिन। यानी इस साइड पे देखें, बच्चों के साथ ये बच्चे खेलते कूदते तो हैं, लेकिन हर चीज़ गीली क्योंकि बारिश हर टाइम यहाँ पे रहती है। तो पोलक शील्ड्स, ग्लासगो, यूके, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं आया क्यों, एक तो कुछ एक दो मीटिंग्स हैं ग्लासगो में, सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कुछ कोलैबोरेशंस की जाएँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं करना चाहता हूँ कि रिलैक्स करूँ। यहाँ का जो हिल्स हैं, जो एरिया है हाईलैंड्स, वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, दुनिया की खूबसूरत 3 जगहों में। वहाँ जाके मैंने 2-3 दिन रिलैक्स करना, वहाँ से भी वीडियो शेयर करूँगा, शायद लाइव सेशन भी करूँ। लेकिन पहाड़ों में आराम से 1-2 पूरे एरिए में घर होते हैं, वहाँ जाके मैंने आराम से लेटना, मेडिटेशन करनी है, और ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, साथ साथ आपको टिप्स भी देते रहेंगे, आपके साथ गपशप भी होगी। पोलक शील्ड्स, यहाँ से मेरी यूके में लाइफ स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच।